नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ आ रहे हैं, जहां से पीएम मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। पीएम गोपालपुरा में जनजाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन ने कार्यक्रम की तैयारी भी पूरी कर ली है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, पीएम मोदी के एमपी दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं? देखिए, निश्चित ही कल यानी 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात जो है वो झाबुआ के आदिवासी जनजाति समाज के साथ पूरे मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन से लेकर भाजपा संगठन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और लगभग सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ तमाम वो चीजों का ध्यान रखा गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं सहूलियत के हिसाब से पूरी जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन से लेकर भाजपा संगठन की ओर से की गई हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो यहां से जो लोकसभा के चुनाव है आने वाले दिनों में उनका शंखनाद करेंगे और एक बड़ी सौगात जो है वो मध्य प्रदेश को देते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जो जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है जो ग्रामीण स्तर में रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं जान फूंकने का काम कर रहे हैं और एक नया संचार जो है वो तमाम दिग्गज नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। वही अन्य जो नेता है वो भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को बेहद रोचक और काफी आकर्षक बनाने की तैयारियां जो है उनमें जुटे हुए हैं। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो यहाँ से एक जनजातीय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जिसके माध्यम से वो गुजरात और राजस्थान के तमाम आदिवासी जो जनजाति के जो भाई लोग हैं उनको साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। हम मालवा निमाड़ की बात कर ले, तो मालवा निमाड़ में लगभग एक दर्जन के आसपास लोकसभा की सीटें आती है, इस पर अधिकांश जो सीटें हैं उनमें आदिवासी समाज का काफी दबदबा माना जाता है और ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा के कैंपेन की जो शुरुआत एमपी से करने जा रहे हैं, यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जी संदीप, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का एमपी दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, अगर महत्वपूर्ण के लिहाज से हम देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 11 फरवरी को झाबुआ में दस्तक देंगे और यहाँ से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। हम विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो जो आदिवासी समाज के जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की ओर कहीं ना कहीं आकर्षित होता हुआ हमको लंबे समय से नजर आ रहा है। उसी में सेंधमारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झाबुआ में आने वाले हैं और अपना चुनावी जो कैंपेन है उसकी शुरुआत झाबुआ से करते हुए नजर आएंगे। मैंने आपको बताया कि मालवा निमाड़ की जो अधिकांश सीटें हैं जिनमें एक दर्जन पूरी लगभग सीटें आती है, उनमें कहीं कहीं सेंधमारी की वजह ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में आदिवासी समाज को साधने के साथ साथ मध्य प्रदेश में विकास के नए रोडमैप और मोदी की गारंटी को लेकर कल एमपी में दस्तक देंगे और तमाम अपनी योजनाओं का जो संचार मध्य प्रदेश में किया है जितने लाभार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सख्त मैसेज देते हुए नजर आएंगे। वहीं विपक्षियों की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर भी लगातार हमलावर होते हुए अपनी सभा में संबोधित आ सकते हैं। अगर लोगों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और अपने अंतिम चरण में जो है ये तैयारियां की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से लालडी बहना जो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी उनको भी कहीं ना कहीं साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की लगभग आधे दर्जन ऐसी सीटें आती है जहां पर महिलाओं का जो दबदबा है वो काफी संख्या में है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के साथ साथ महिला वोट बैंक को भी साधने के लिए अपनी एक रणनीति और एक पासा फेंकते हुए हमको झाबुआ से नजर आ सकते हैं। जी, बहरहाल अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी अपने झाबुआ दौरे से कितना आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर खींच पाते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।